हेलो दोस्तों, 1975 यह वर्ष भारत के लिए एक गर्व का साल था। इस साल भारत को दुनिया के सामने अपने आप को प्रतिष्ठा करने का मौका मिला। तब हमारे देश ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया और महाकाश विज्ञान में एक इतिहास रच डाला। 19 अप्रैल 1975 ये एक ऐसा दिन बना जिस दिन हम भारतवासी देश के पहले सैटेलाइट को महाकाश में प्रक्षेपित होते हुए देखा। भारत का पहला उपग्रह महाकाश में भेजने का वो पल एक यादगार बन गया। उसके बाद तो फिर मानो भारत ने मुड़के देखा ही नहीं, एक से बढ़कर एक अनेक इतिहास रच डाले। तो दोस्तों, चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट के बारे में कुछ अनोखे बातें। पांचवी शताब्दी में भारत के महान गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट के नामानुसार रखा गया था ये देश का पहला सैटेलाइट। इसे रशिया में स्थित आस्त्रखान ऑब्लास्ट से छोड़ा गया था। इसरो के द्वारा बनाया गया आर्यभट्ट सैटेलाइट को महाकाश में प्रक्षेपण करने के लिए एक लिक्विड फ्यूल से चलने वाला 2 स्टेज में विभाजित रॉकेट कॉस्मोस 3M का इस्तेमाल हुआ था। इस सैटेलाइट को बनाने के पीछे का मूल उद्देश्य था सौर भौतिकी, एक्सरे एस्ट्रोनॉमी और एरोनॉमिक्स के बारे में जानकारी जुटाना। इसरो के उस समय का वैज्ञानिक और मिशन डायरेक्टर उडुपी रामचंद्र राव और सोवियत यूनियन के बीच एक करार हुआ 1972 में। इस करार के अनुसार सोवियत यूनियन भारत का पोर्ट अपने शिप्स को ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकेगा और बदले में भारत अपना सैटेलाइट लॉन्च के लिए उसका लॉन्च साइट इस्तेमाल कर पाएगा। इस 26 पक्षीय पॉलीहाइड्रन वाला आर्यभट्ट का व्यास था 1.4 मीटर, जिसके ऊपर और नीचे वाला हिस्सा छोड़कर हर हिस्सा सोलर पैनल से ढका हुआ था ताकि ऊर्जा प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, महाकाश में प्रक्षेपण के बाद पहले 96.46 मिनट्स परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से इसके नजदीक का दूरी था 563 किलोमीटर एवं सबसे अधिक दूरी 619 किलोमीटर था, परंतु घूमने के दौरान इसका झुकाव 50.7 डिग्री रहा। लेकिन देखिए, महाकाश में केवल 4 दिन रहने के बाद बिजली की विफलता के कारण मात्र 60 चक्कर ही लगा पाया आर्यभट्ट ने। इससे बाद उसके साथ संपर्क भी टूट गया। हालांकि इसका मेन फ्रेम 1981 के मार्च महीने तक एक्टिव रहा और फिर 11 फरवरी 1992 में धीरे धीरे धरती के वायुमंडल में प्रवेश करके यह नष्ट हो चुका था। लेकिन इस पूरे काल के दौरान इसे भारत के 2 रुपए के नोट से लेकर यूएसएसआर स्टैम्प के द्वारा कई बार याद किया गया। इसरो के द्वारा बनाया गया भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट वैज्ञानिक पत्र में अपने शानदार प्रमाण छोड़ गया था, जिसका छोटा सा एक जर्नी हमारे लिए यादगार रहा। तो दोस्तों, इतना तक ही था आज का सफर। आशा करते हैं आपको आर्यभट्ट का ये सफर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। धन्यवाद।